हमारे 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। इस जर्नी की शुरुआत हमारी ऐसी हुई कि मैं आपको क्या बताऊं, जब हमने पहला एपिसोड शूट किया। 100 कहां से हो गए? 100 हमारे हुए तो 70 के बाद छोड़ के चली गई थी। कोई बात नहीं, जब मेरे 100 जाएंगे ना, तुम्हारी तरह सिर्फ कवाली नहीं गाऊंगी, मैं पूरी बियर बांटूंगी एक सारे मोहल्ले में। सारा मोहल्ला पता क्या कहेगा? क्या? गारीवर सी खटन गया सी खटके ले आन तो ना डरिए, कोल्ला टल्ली साटा हो गया, अभी की करिए की करिए। बहुत अच्छा नाचा आपने, बहुत अच्छा। अब इससे पहले कि मैं इसमें पत्थर बन के घुमा घुमा के आपकी पीठ पे मारूं, दबा ले यहां से। हाँ जी, मुबारक हो, आज कॉमेडी राइट्स ने अपने 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। नो डाउट और मैं अपने तमाम दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने हमें इतना सारा प्यार दिया, जिनके प्यार की बदौलत आज हम लोग 100 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं। शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। पाजी, वैसे ये शो जो है वो 184 कंट्रीज में देखा जाता है, लेकिन आज का ये जो एपिसोड है ये खास तौर पर समर्पित है उन भाइयों के लिए जो अपनी खुशियां ताक पे रख के, सरहद पे रह के हमारी रक्षा करते हैं, अपनी खुशियों का बलिदान देकर हमारी खुशियों का ध्यान रखते हैं। हमारे फौजी भाइयों के लिए, हमारे पुलिस वाले भाइयों के लिए और तमाम उन भाइयों के लिए जो फोर्स में काम करते हैं, जोरदार ताली इन सबके लिए। पाजी, मेरा इन लोगों से लगाव इसलिए भी है क्योंकि मेरे पिताजी भी पुलिस में थे। आज भले वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। रुलाने वालों की दुनिया में तू हंसाने वाला निकला, लोग दर्द बांटते हैं तू दर्द मिटाने वाला निकला, हंसी हंसी में तूने की है सबकी बोलती बंद, सोचा शिकवा करूं खुदा से पर वो भी तेरा चाहने वाला। क्या बात है, वाह, थैंक यू भाई। अटैक जियो राजा। आप कहाँ गए थे? अरे बेटा, मैं माल में गया था सब्जी लेने के लिए। लेके क्यों नहीं आए? सही नहीं मिली सब्जी क्या? अरे बेटा, सब्जी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आजकल क्या माल में बहुत कैमरे लगे हुए, तो पकड़े जाने का खतरा रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा। चिंता मत करो, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। आजा बेटा। कांग्रेचुलेशन जीजू, 100 एपिसोड हो गए हैं। 70 तो तुम्हारे भी हो गए, तुम लोग इधर ही तो रहते हो, अपने घर कहाँ जाते हो कमीनो? अरे यार, इज्जत से बात करो, बड़े नाजो से पाला है बेटा। हाँ, तो दिख ही रहा है। लोग अपने बच्चे को ढूंढ ढूंढ के असली दूध पिलाते हैं, ये लोग चूने वाला पानी पिलाते रहे उसको। चूने वाला पानी कसर से क्या हो गया? चूने वाला पानी पिलाते हैं तो चूना पीने से आदमी अंदर से मजबूत होता है, बाहर से चाहे कच्चा हो ना हो। क्या पापा, आप भी? आप भी मतलब क्या? मैं तो हूँ, और कौन तेरा बाप है यार? नहीं पापा, मेरे कहने का मतलब है हम यहाँ ये सब बातें करने थोड़ी आए हैं, हम तो यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं। सेलिब्रेट करने आए हैं, सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं, और हम लोगों ने उनको इनवाइट किया जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है। अरे यार, कोई घर पे मेहमान आए उससे तमीज से बात करो ना करो, कम से कम इज्जत तो दो। कम से कम इज्जत देता हूँ आपको मैं, ज्यादा इज्जत दे के मेरे को संबंध नहीं सुधारने। हमारे लिए तो पानी भी घी के बराबर है, इतनी सी तो इज्जत हमको इतनी लगती है बेटा। देखिए ससुर जी, हम लोग यहाँ पे अपने 100 एपिसोड मना रहे हैं, आप काम करिए, बाहर जाके घूम के आइए, शाबाश। हाँ, हमको ये क्या है, किसे निकालने की बात कर रहे आप शर्मा जी? अरे बेटा, हमको बाहर कर रहा है बेटा, बता हम आए। मैं ये थोड़ी ना बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि बाहर मौसम इतना अच्छा, बरसात हो रही है, रोमांटिक मौसम है, जाइए जाके। 65 बरसातें देख चुके हैं, हर बार पानी तो गिरता है, इस बार डालर गिरेंगे क्या बाहर से? अंदर ही ठीक है, नहीं बैठेंगे आराम से। भैया, आपका भाई मुझे पता ही नहीं चला। पता कैसे चलेगा, आज नहा के आया ना, बदबू कहाँ से आएगी? शर्मा जी, आज इतना खास दिन है, खुशी का मौका है, आज के दिन तो ऐसी बातें मत कीजिए, बेचारे कितना थका हुआ लग रहा है। तो भैया, अभी थके हुए लग क्यों रहे, आप तो बाइक से आए हैं ना? अरे काहे की बाइक दीदी, इससे अच्छा तो मैं पैदल आ जाता। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे मैं बताता हूँ, वो अपना दीपक आ रहा था मोटरसाइकिल से, 3 लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा ट्रिपली में चलान हो जाएगा, मुझे भी साथ बिठा लो, 4 लोग हो जाएंगे। और ये भी था पीछे, मैंने कहा बेटा हाथ पकड़, यहीं तक तो जाना है, भागता भागता आ जा 40 किलोमीटर दूर तक, रास्ते में चेंज करते रहेंगे अपना। लेकिन पापा, आपने रास्ते में चेंज कहाँ किया? अरे किया तो था बेटा। हा? क्या बात कर रहा है, क्या पहले मैंने तेरा दाया हाथ पकड़ा था,
बाद में घुमा के तेरा बाया हाथ पकड़ लिया था। खैर जो भी है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप दोनों आ गए। वैसे शर्मा जी, आज हमारे 100 एपिसोड कंप्लीट हुए, आज के दिन तो अच्छे से होटल से खाना मंगवा के खिला दीजिए हम सबको। भैया पापा आपको क्या खाना है? बेटा इस उम्र में कुछ पछता तो है नहीं, 6-7 नान मंगवा लो, सब्जी चाहे कोई भी हो चिकन खा लेंगे। और मेरे लिए भी हल्का फुल्का कुछ मटन मंगवा लो बस। छोटी मुर्गी मटन खाएगी तू? मैं जा रहा हूँ अपना खाना खाने बाहर से, तुम लोग अपना अपना ऑर्डर कर लो। दामाद पैसा कौन देगा? वैसे भैया मुझे बहुत खुशी हुई कि आज अब हमारे 100th एपिसोड पे आए। अच्छा दीदी एक बात कहनी थी आपसे। क्या कहूँ? वो जीजा जी की इतनी पहचान है, उनसे कह के मुझे कहीं लगवा दो ना प्लीज। बेटा खुद तो वो खाली बैठा, तेरे को दीवार पे लगवा देगा क्या वो? दीदी आप पापा से बात करो, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। मेरे को भी लगी है, पहले मैं जाऊंगा। नहीं, पापा पहले मैं जाऊंगा। पहले मैं जाऊंगा। पापा पहले मैं जाऊंगा। तो फिर 2 रुपए दे जाने के लिए। अरे पापा आप भी ना, ये लीजिए 2 रुपए। वाह वाह। ये 2 रुपए क्यों लिए आपने? फिर एक बात बता, बाहर ये सुलभ शौचालय खुला होगा? अरे लेकिन क्यों, घर पे है ना? अंदर तो हो गया है, बाहर 1 रुपए लगता है तो हो गया ना मेरे पास 50% का मुनाफा। ये गुजराती का मुकाबला करेंगे हमारा। जैसा कि आपने अभी इनको थोड़ी देर पहले 1000 वाट का बल्ब बताया, जी, तो, जी है, तो फिर वैसा जनरेटर भी चाहिए जिससे 1000 वाट का बल्ब जाए। इंस्पेक्टर साहब। हेलो। हेलो अजय सर, कैसे हैं आप? ये कौन है? ये हमारे यहाँ के बहुत बड़े फालतू हैं। सर हम में कोई फर्क नहीं है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? इंस्पेक्टर साहब आपसे मैं जरा बाद में बात करता हूँ सर। जी बाहर झगड़ा हो गया, कोई 50-60 लोग एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। किस तरफ? जल्दी जाओ ना। किस तरफ झगड़ा हो रहा है? इस तरफ हो रहा है। तो मैं इस तरफ निकल लेता हूँ। सुनो ना, झगड़ा इस तरफ हो रहा है। लोग हाथ नहीं उठाते हैं चेंज करके आता हूँ सर। नहीं नहीं मैं बैठा हूँ। उन्होंने बहुत जरूरी मारना था आपको। सर कैसे हैं आप? हाँ लेकिन पहले आप है कौन? मैं जी अगर बता दिया तो आप बाहर निकाल देंगे। आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि वरना नहीं निकाल दूंगा? वो सर मैं असल में पहले यहाँ काम करता था, मेरे पास पैसा कोई नहीं था, मैंने कहा इनके घर काम करता हूँ, बाद में पता चला इनके पास भी कुछ नहीं है। तो सर मैंने आपकी सारी फिल्में देखी है। अच्छा वो जो दिल वाले थी ना आपकी फिल्म जी, जब आपको रवीना छोड़ देती है मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उसी वक्त बोल दिया था, मैंने कहा देखना एक दिन ये लड़का जितनी मोहब्बत करता ना, इसको रवीना तो क्या है, इसको करीना मिलेगी। और आज मुझे खुशी भी बहुत हो रही है और दुख भी हो रहा है। दुख किस बात का? खुशी इस बात की हो रही कि जो मैंने बोला वो पूरा हो गया, और दुख इस बात का कि मैंने अपने लिए क्यों नहीं बोला। पागल जो मुंह में आता निकल जाता है। मैं दुबई में होता हूँ। अच्छा। वहाँ पर एक ही कमरे में हम 19-20 दोस्त रहते हैं। अच्छा। एक ही कमरे में? एक ही कमरे में रहते हैं। अच्छा। और अक्सर हमारी सपने पे लड़ाई होती है। अच्छा। एक दूसरे के ऊपर ही सोते हैं ना, तो सबको एक ही सपना आता है। सब कहते हैं करीना मेरी है, करीना मेरी है, करीना मेरी है। बस इसी बात में झगड़ा हो जाता है। मैंने फिर उस वक्त अंदाजा लगाया जय भाई कि दुनिया में पेट्रोल के बाद अगर दूसरी कोई लड़ाई होगी तो वो करीना पे होगी। मेरा भी सपना था कि मैं भी कभी पुलिस वाला बनूं, पुलिस में रहूं। पुलिस वालों की किस्मत अच्छी है कि आपने। बस मेरी माँ कहती थी बेटा एक दिन तू पुलिस में जाएगा, एक दिन बस हफ्ते में 1-2 बार चला जाता हूँ उनके पास।
पार्टी पार्टी करते फिर मेरे साथ वहाँ पर, फिर खुद ही छोड़ने के लिए आ जाते हैं। पार्टी के बाद फिर मुझसे चला नहीं ना जाता तो छोड़ने आते हैं। छोड़ने आते हैं। लेट आ जाओ, भिखारी घर में घुसने लगते हैं। करीना देखी नहीं कमीने बाहर आ गए, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तुम्हारे गेस्ट को मैं एंटरटेन कर रहा था। थैंकलेस पीपल। पास बंद करो, बाहर दबा जाओ। दबा जाओ। आ जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा, मेरे पास पैसे की कमी। बदतमीज आदमी। एक बार अजय देवगन और करीना कपूर के लिए जोरदार तालियां। प्लीज आप यहां विराजमान हो जाइए। कपिल अब इतनी लेट क्यों आए? मैं लेट इसलिए, एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू चेक, डिड यू मिस मी? या आई मिस्ड यू। पक्का? 100%। मम्मी मम्मी, तू मेरे को कहती है ना बचपन में कुछ नहीं बनूंगा, देख करीना कपूर मेरे को मिस कर रही है। आज करीना और अजय सर हमारे पास यहाँ पे आए हैं। सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच। और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका 100th एपिसोड जी सर, है। ये बड़ा स्पेशल एपिसोड है। थैंक यू। शुक्रिया। अभी जैसे करीना ने मुझे विश किया ना बाजी, तो मैं मेरे को एक मोमेंट याद आ गया। मैं बड़ा एम्बैरस हुआ था, आपको शायद याद है कि नहीं, किसी अवार्ड फंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे रेड कारपेट पे, तो मैं निकला तो सोनाक्षी खड़ी थी वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे रोक लिया कि 2 मिनट एक फोटो साथ में ऐसे से। ऊपर से करीना आ गई। अच्छा मैंने जिंदगी में बाजी, हमें पता कभी ऐसा कभी फिर सोचा थोड़ी ना कभी करीना कपूर हमें ऐसे मिलेगी। उन्होंने आगे हमसे हेलो किया, मैंने कहा हेलो करीना कैसे आप, इन्होंने ऐसे किया कुछ तो किया, तो क्या बोलते उसको ऐसे। अच्छा मेरी किस्मत देखो, मुझे सामने से ऐसा हो रहा है और इन्होंने ऐसे किया तो मैं ऐसे हो गया, डर गया। और मैंने उसके बाद बड़ी प्रैक्टिस की मैंने। अच्छा, हाँ। तो चलिए क्या प्रैक्टिस की आपने? नहीं, ऐसे सडनली मिला। ओ वाओ करीना, हाय हाय हाय। खैर हंसी मजाक चलता रहेगा, लेकिन आज मेरी मम्मी भी खास तौर पे सर आपको विश करने के लिए आई हैं। मम्मी कुछ कहना है करीना कपूर से, अजय सर से? आज मेरे बेटे कपिल के 100 एपिसोड पूरे देखने के बाद मैनू मेरे मन को बहुत खुशी हुई है। मैनू वो भी वक्त याद है जिस वेले कपिल ने, उदों घर घर टीवी नहीं सी होते, तो कपिल ने कहना मम्मी सारे गली महल्ले दे बच्चियां ने इकट्ठिया होके 10-10 ₹20 पा के VCR लियाना, गली में रख कर देखना करीना कपूर को देखना, अजय देवगन की फिल्म देखनी है। आज मैनू यही खुशी है कि मेरा बेट उनके पास बैठा हुआ है। थैंक यू मम्मी। आंटी एक बात बताओ। हाँ जी। ये VCR पे आपने कौन सी फिल्म देखी थी कपिल के पैदा होने से पहले? मैंने बेटा इनके पापा के साथ मैं तुलसी तेरे आंगन की देखी थी। मम्मी ये बात आपने मेरे को तो कभी बताई नहीं। चोरी चोरी चली जाती है स्कूल भेज के तुमको। मेरी माँ के लिए एक बार जोरदार तालियां।